अस्सलाम वालेकुम। छपकली अपनी दुम को दोबारा कैसे पैदा करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हम 20 इंच बच्चे से 17 इंच नौजवान कैसे होते हैं? वेल, आज की वीडियो में हम इसके पीछे साइंस बताएंगे। इसकी वजह ये है कि हमारे जिस्म में हर मिनट में लाखों सेल तकसीम होकर नई सेल बनाती है। ये नई सेल फिर मजीद सेल बनाने के लिए मजीद तकसीम हो जाती है। इस तरह हमारे जिस्म में सेल की तादाद बढ़ जाती है और हम लंबे हो जाते हैं। माइटोसिस एक ऐसा अमल है जिसके जरिए हमारे जिस्म में सेल तकसीम हो जाती है। माइटोसिस को ऑर्गेनिज्म न सिर्फ ग्रोथ के लिए बल्कि रिपेयर, रिप्लेसमेंट और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। माइटोसिस में पेरेंट सेल तकसीम होकर दो एक जैसे डॉटर सेल बनाता है। इन दोनों में बिल्कुल एक जैसा जिन्याती मवाद होता है। आपको ये जानकर हैरियत होगी कि छपकली जैसे कुछ जानदार माइटोसिस के जरिए अपनी कटी हुई या खराब जिस्म की अज़ा को दोबारा बना सकती है। जब छपकली की दुम कट जाती है तो ये माइटोसिस के जरिए अपनी दुम को दोबारा पैदा करती है। कटी हुई दुम की आसपास का हर सेल तकसीम होना शुरू कर देता है और दो एक जैसे डॉटर सेल बनाता है। एक बार फिर इन डॉटर सेल में से हर एक को मजीद तकसीम होकर मजीद डॉटर सेल बनाती है। इस तरह छपकली को अपनी दुम को दोबारा पैदा करने में मदद मिलती है। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।